हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह के शायद 8:30 पौने 9 बज रहा होगा और सुबह सबने नाश्ता कर लिया। मैं थोड़ी लेट हो जाती हूँ कि सुबह का थोड़ा बहुत जो काम है उसके बाद नहाना, पूजा करना, फिर नाश्ता करना होता है। तो मैं नाश्ता कर रही हूँ और रिमी को अभी एग खाना था तो वो व्हाइट पार्ट नहीं खाती है, जो खाती है वो खुद निकाल लेती है। और अभी तो सुबह का हो गया नाश्ता तक कंप्लीट, लेकिन अभी लंच की भी तैयारी करनी है तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अभी घर के अंदर सूरज निकला। मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म होते होते फिर आ गए तरबूज लेके, और बच्चों को भी तरबूज खाना है तो पहले इनको काट के दे देते हैं। ये निकला है तो ये तरबूज काटने के बाद देख रहा है कि बिल्कुल कलर रेड नहीं है, थोड़ा वाइट वाइट है, मतलब मीठा कम होगा। तो रिमी देख के पहले से कह रही है मुझे नहीं खाना, और जो ही सुबह से इधर उधर घूम घूम के खेल रही है। सारा हो गया, तरबूज भी काट दिया मैंने, ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर आ गई किचन में तो दूध आ गया। दूध पहले गर्म करने रखते और साथ में दाल बनाऊंगी तो दाल भी बॉईल करने रखना है, तो ये कर लेते। और साथ ही साथ मैं जो सब्जी बनाऊंगी वो भी तैयार करूंगी। और मैं मूंग की दाल बना रही हूँ, और ये मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है तो मैं डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ। मूंग की दाल सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ और उसके बाद बॉयल होने रखती हूँ। और मैं बॉयल होने के टाइम पे नमक डालती हूँ, हल्दी नहीं डालती हूँ, लेकिन आज हल्दी भी डाल दिया। मुझे जल्दी बनाना था, रिमी खा के कहीं जाने वाली थी तो हल्दी भी मैंने आज डाल दिया। और कुकर में एक सीटी ज़्यादा लगा दूंगी तो शायद जल्दी गल भी जाए दाल। सब कुछ डाल के उबालने रख दिया। तो आज मैं बना रही हूँ कमल ककड़ी, और हम कमल ककड़ी काट के तैयार कर लेते हैं। ये देख के थोड़ा ऐसा लगता है कि ये बहुत हार्ड होगा, लकड़ी जैसा दिखता है, लेकिन खाने में ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है और गल भी जाता है, सॉफ्ट बहुत अच्छे से हो जाता है। तो अगर आपने बनाया नहीं तो एक बार बना के ज़रूर देखना, बहुत अच्छा लगता है। तो कमल ककड़ी पहले छील के साबुत ही मैंने धो लिया है, और उसके बाद फिर से पानी में डुबो के रखूँगी कुछ देर, फिर बनाने से पहले अच्छे से धो के तब बनाऊँगी। और इसमें थोड़ा स्टार्च होता है आलू के तरह, और थोड़ा हार्ड है तो कुकर में बॉयल करेंगे पहले, उसके बाद फिर बनाएंगे। तो कमल ककड़ी रेडी करने के बाद फिर मसाला भी तैयार कर लूँगी ताकि दाल उबल जाए, उसके बाद इसे कुकर में सब्जी भी बना लूँ। और फ्रिज में मैं जब भी टाइम मिलता है तब लहसुन छील के रखती हूँ, अदरक भी छील के रख देती हूँ ताकि जब सब्जी बनाऊँ तो ज़्यादा देर किचन में खड़े ना रहना पड़े। और सुबह नाश्ता बनाने के लिए प्याज काटा था, उसमें से भी थोड़ा है, और उसके साथ मैं एक प्याज और ले रही हूँ सब्जी के लिए। और अदरक जितना है इतना नहीं चाहिए, आधा अदरक डालेंगे और आधा फिर से रख देंगे दूसरे सब्जी में डालने के लिए, तो इतना ही मसाला चाहिए। और बाकी जो पाउडर मसाला, हल्दी, नमक और ये डालना होगा। तो अदरक, लहसुन और इसके साथ मैं ग्रीन चिली ले रही हूँ, और ये भी काट के इसी के साथ पेस्ट बनाऊँगी। और प्याज ऐसे ही भून के डालना है, और ग्रीन चिली बहुत तीखा नहीं है, बहुत कम तीखा है तो मैंने 4 लिया। इसके साथ मैं रेड चिली पाउडर भी डालूंगी। अगर आपको रेड चिली पाउडर नहीं डालना है तो थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए मिर्ची और डाल सकते हैं, रेड ग्रीन चिली। और अगर बच्चे कमल ककड़ी ना खाए तो सब्जी में आलू डालूंगी ताकि आलू के साथ मसाले के साथ खा ले, इसलिए मैंने आलू भी लिया है एक। और जब तक ये कर रही थी मेरा दाल उबल गई है तो दाल निकल लिया और कुकर फिर से चढ़ाया। सबसे पहले कमल ककड़ी बॉईल करेंगे और इसे मैं अच्छे से धो के डाल रही हूँ। और कमल ककड़ी थोड़ा सा पानी में डाला और फिर थोड़ा सा दूध, 1 टीस्पून लगभग ऑयल डाला, और दूध और ऑयल डालने से जल्दी बॉईल हो जाएगा और साथ में जो थोड़ा बहुत स्टार्च होता है कलर थोड़ा काला कर देता है वो भी निकल जाएगा, तो ये कलर भी सही रहेगा। और 2 सीटी लगाने के बाद मैंने कमल ककड़ी निकाल लिया है, और फिर उसी कढ़ाई में तेल डाला, तेल में थोड़ा सा दालचीनी, एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 1 चम्मच जीरा डाल के
तड़का लगाया और थोड़ा सा भुन जाने के बाद प्याज भी डाल दिया और इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर चलाते हुए धीरे धीरे फ्राई करना ताकि प्याज अंदर तक पके और इसका जो पानी है प्याज का ये भी निकल जाए। थोड़ा सा कलर हल्का सा जब चेंज होने लगे तब तक हमें भूनना है और उसके बाद फिर मसाला ऐड करना है। तो ये देखिए प्याज के पानी बिल्कुल निकल गए और प्याज हल्का सा कलर चेंज कर रहा है और खुशबू बहुत बहुत खुशबू आ रही है अच्छी, तो इससे भी पता चलता है हुआ कि नहीं हुआ है। और जब प्याज अच्छे से भून गया तो उसमें मैंने जो पेस्ट बनाया जिंजर गार्लिक और रेड ग्रीन चिली का वो डाला है और साथ में थोड़ा सा जार में पानी डाल के धो के डाल दिया। और ये थोड़ा सा एक मिनट तक भूनने के बाद फिर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, तो इसे भी थोड़ी देर भूनना है और पाउडर मसाला ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता है। तो थोड़ी देर भूनने के बाद फिर हल्दी और नमक भी डाल दिया है और इसे भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा मिक्स करना है हर चीज़ में और आधा मिनट ऐसे चला के भून लिया और बिल्कुल तेल अलग होने लगा है, मसाला अच्छे से भून चुका है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। फिर जो कमल ककड़ी बॉईल करके रखा है पहले से वो डाल देंगे और इसमें कलर देखिए बिल्कुल वाइट है, कलर ख़राब नहीं हुआ है वो दूध और तेल की वजह से। और कमल ककड़ी डालने के बाद कोई भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा मिक्स करना है और ग्रेवी के लिए पानी डालना है, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डालना है। और जो आलू काट के रखा था आलू भी डाल दिया और आलू डालने के बाद फिर इसमें एक मसाला और बाकी रह गया, गरम मसाला, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, गरम मसाला ना भी डाले तब भी बहुत अच्छा बनेगा और गरम मसाला डालने से थोड़ा सा हल्का सा चेंज होता है टेस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसमें आप गरम मसाला ना डालें तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सीटी लगाना है तो कुकर बंद करके एक सीटी लगने देना है तो ये सब्जी रेडी हो जाएगा। एक सीटी लगने के बाद फिर मैंने कुकर खोला है ठंडा हो जाने के बाद, तो देखिए ग्रेवी बिल्कुल थोड़ा हल्का हल्का ग्रेवी है और आलू लग रहा है साबुत है, लेकिन ये देखिए चलाने से पहले ये टूट रहा है, आलू बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है और मसाला भी अंदर तक पहुंच गया है और ग्रेवी भी थोड़ा बहुत है, इतना ही चाहिए था। और साथ में इसमें डाला है हरा धनिया और हरा धनिया डालने के बाद हमारी ये सब्जी रेडी है। अब मैं थोड़ा सा चटनी बनाऊंगी और चटनी के लिए आज टमाटर ऐसे ही आँच पे रख के थोड़ा सा चारों तरफ से घुमा घुमा के ऐसे जला लेना है, मतलब हम बंगाली में कहते हैं पुड़ाते हैं, तो पता नहीं क्या बोलते हैं इसे दूसरे भाषा में। तो ये चारों तरफ से तब जब ये इसका छिलका जब जलने लगे और अंदर तक थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तब तक मैंने इसे बॉईल ही किया है क्योंकि ये अच्छे से बॉईल हो गए। और साथ में मैंने अभी जो ये ऊपर का जो छिलका था वो अच्छे से छील के फिर इसमें थोड़ा सा प्याज, सरसों का तेल, नमक और लाल मिर्च में मिक्स करके ये चटनी रेडी है। ये देखिए आज का लंच रेडी है, तो ये बहुत सिंपल है, गर्मी है तो सिंपल लंच अच्छा रहता है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।